नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 35 में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नेशनल मूवमेंट का 1909 से 1917 का समयकाल। तो पिछले लेक्चर में मैंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आपके साथ डिस्कस किए थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो 1909 में होते हैं और उसके बाद देश की आज़ादी के मूवमेंट में क्या डेवलपमेंट्स हुए उनको हम पढ़ेंगे। दो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है होम रूल लीग और लखनऊ पैक्ट, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और राष्ट्रीय आंदोलन की जो दिशा है अब वो धीरे धीरे बदल रही है। अब आप देखोगे कि थोड़ी सी दिशा होम रूल की तरफ गई है, डिमांड आ रही है होम रूल की और उसके बाद महात्मा गांधी आ जाएंगे तो गांधी ईरा शुरू हो जाएगा 1918 के बाद में, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप भारत के बेस्ट टीचर्स से लाइव पढ़ सकते हैं और यहाँ पर दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। तो प्लस में आपको क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। आइकॉनिक में आपको इस सब के उपरांत पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आपके एक मेंटोर के द्वारा, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सब मिलेगा। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों ही कोर्सेज में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड को यूज़ करते हैं। सो आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है और इन प्राइसेस पे आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होगा। इस वक्त सब्सक्रिप्शन पर कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे कि प्रिंटेड नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे जीएस के। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के तहत आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल जाएगी, तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में आपको अगले साल के जून तक नहीं बल्कि अगले साल जब भी प्रिलिम्स की डेट होगी तब तक के लिए वैलिडिटी मिल जाएगी। और EMI ऑप्शन भी अब इन सभी कोर्सेज पर अवेलेबल है, सो यू कैन पे अ स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ एंड कीप लर्निंग और 10% डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप ये वाला कोड यूज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में जब हमने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की चर्चा करी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि रिफॉर्म्स क्यों लाए गए थे, लेकिन वो जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे वो स्लाइड पर लिखे हुए नहीं थे, ये स्लाइड मुझसे गलती से वहां डिलीट हो गई थी तो इसीलिए मैंने इस लेक्चर में ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाला पॉइंट याद रखिएगा और मॉडरेट्स को उन्हें कुछ देना था, मॉडरेट्स को थोड़ा सा राजी करना था और एक्सट्रीमिस्ट जो है उन पर भी लगाम कसनी थी। तो एक्सट्रीमिस्ट को तो वैसे ही जेल में डाल दिया था, लेकिन देखो जब एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा पॉपुलर हो गए तो उन्हें लगा, अंग्रेजों को लगा कि चलो मॉडरेट वाला जो धड़ा है कांग्रेस का उसको कुछ दे देते हैं, थोड़ा रिफॉर्म्स दे देते हैं ताकि ये लोग फिर से पॉपुलर हो जाएं और दुनिया मॉडरेट्स की तरफ फिर से मुड़ जाए। तो ये वाले रीजंस थे। अब देखिए 1909 के बाद में राजनीति थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी देश की, धीमी पड़ गई थी क्योंकि ज़्यादातर गर्म दल के नेता एक्सट्रीमिस्ट लीडर जेल में थे। लाल बाल पाल इनमें से एक तो रिटायर हो गए और दो जेल में थे, तो अभी राष्ट्र में आज़ादी का आंदोलन जो है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। इसी माहौल में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज होता है, तो हमने वैसे सारे दरबार एक बार पहले ही पढ़ लिए थे, 1877 वाला जब दरबार पढ़ा था फिर से एक बार देख लो। तो दिल्ली का जो दरबार है वो लगता है 1911 में, 12 दिसंबर इसकी डेट थी। किंग जॉर्ज द फिफ्थ, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी इनकी जो वाइफ हैं, ये भारत आए थे। भारत पर अंग्रेजी हुकूमत के 200 साल के टाइम पीरियड में एकमात्र राजा या रानी, ब्रिटिश राजा या रानी जो भारत आए थे यानी कि अपनी खुद की कॉलोनी में विजिट करने आए थे वो थे किंग जॉर्ज द फिफ्थ। ही वॉज द ओनली सॉवरेन, द ओनली किंग और क्वीन टू हैव विजिटेड इंडिया। तो किंग जॉर्ज जब भारत आते हैं, भारत में कई जगहों पर घूमते हैं, दिल्ली में इनके लिए एक बड़ा दरबार लगाया जाता है। और इसको दरबार क्यों कहा गया, क्योंकि देश के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा हैं जो सब सब्सिडियरी अलायंसेस साइन कर चुके थे लगभग 100 साल पहले, वो आते हैं राजा जॉर्ज फिफ्थ के सामने सर झुकाते हैं, उन्हें कुछ तोहफा देते हैं, सबने इन्हें हीरे जवाहरात बड़े बड़े प्रेजेंट्स दिए और इट वॉज लाइक अ दरबार। तो जैसे एक मुगल बादशाह का दरबार लगा करता था या किसी समय में शायद चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार लगता था, उस प्रकार के दरबार को यहां पर लगाया गया। इसका नाम ही यही था, दिल्ली दरबार। ठीक है, अ कोर्ट वॉज, अ रॉयल कोर्ट वॉज हेल्ड इन ऑनर ऑफ जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मेरी। तो यहां पर आप देख सकते हो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट राजा या महाराजा है जो आकर इनके सामने सर झुका रहे हैं। और यहां पर आप ये जो बच्चे देख रहे हो ये राजा महाराजाओं के बच्चे हैं जो इनके असिस्टेंट की तरह खड़े हैं साइड में। सो एक ट्रेडिशन होता है जो भी राजा या रानी होता है, वहाँ ब्रिटेन में भी होता है, उनके भी जो बड़े बड़े नोबल्स होते हैं उनके बच्चे राजा रानी के साथ असिस्टेंट की तरह रहते हैं। तो ये यहाँ पर भी भारत में इस ट्रेडिशन को फॉलो किया गया एंड इट वॉज एन ऑनर। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि कौन से प्रिंसली स्टेट के राजा को ये ऑनर दिया जाएगा कि उनके बच्चे यहाँ पर जॉर्ज पंचम के बगल में बैठे। तो मतलब एक बहुत ही पॉम्प और ग्लोरी वाला था, मतलब दिस वॉज ब्रिटिश एम्पायर शोइंग ऑफ, ये उनकी ग्लोरी दिखा रहे थे कि देखो हमने भारत को कॉलोनाइज कर लिया है और देश के राजा महाराजा, एक हजारों साल पुरानी सभ्यता के राजा महाराजा आकर हमारे सामने सर झुका रहे हैं। तो ये उस प्रकार का इवेंट था, इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया था और काफ़ी मतलब न्यूज़ व्यूज़ के अंदर इसके फोटो आए थे और इसके फोटो सर्वाइव भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उस समय कैमरा इतना पॉपुलर नहीं था, मतलब था बट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन इस इवेंट के फोटोज वीडियोज तक अवेलेबल हैं। ये भी याद रखिएगा कि जॉर्ज द फिफ्थ जहाज से भारत आए थे तो जब वो मुंबई में उस समय के बॉम्बे में लैंड करे थे जिस जगह पर, वहां पर आज गेटवे ऑफ इंडिया
स्थापित किया गया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया अनाउंस कर दिया था कि बनेगा, लेकिन उस समय बनकर तैयार नहीं हुआ था। बाद में धीरे धीरे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, वर्ल्ड वॉर वन आ गया था, फिर उसके बाद अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन पूरा होता है। तो आज जहां गेटवे ऑफ इंडिया है वो क्यों बनाया गया था, क्योंकि जॉर्ज द फिफ्थ वो वहां लैंड करे थे, और वैसे भी हिस्टोरिकली जो भी ब्रिटिश जहाज आते थे वो मोस्टली बॉम्बे पर आते थे, तो इसीलिए वहां पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। अब इस दिल्ली दरबार में दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए। वाइस रॉय हार्डिंग ने जॉर्ज द फिफ्थ के सानिध्य में दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए। पहला, पार्टीशन ऑफ बंगाल हम निरस्त कर रहे हैं, लेकिन इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल को तो यूनाइट कर दिया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो न्यू डिविजन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, तो उड़िया स्पीकिंग रीजन को अलग कर दिया गया, और जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे उनको बिहार में ले लिया गया, ईस्ट और वेस्ट बंगाल को एक कर दिया। ठीक है, लेकिन आसाम को भी अलग कर दिया, तो कई सारे डिविजन्स दूसरे बना दिए, लेकिन धर्म के आधार पर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था जिसके कारण एक स्वदेशी आंदोलन उठ खड़ा हुआ था उसको उन्होंने एनल कर दिया। तो ऑन पेपर लोगों का दिल जीतने की कोशिश करी गई। दूसरा इंपॉर्टेंट निर्णय था कैपिटल को कैलकटा से दिल्ली शिफ्ट करना। ये काम 1912 में हुआ फाइनली, तो अनाउंस हो गया था 1911 में, लेकिन एक्चुअल शिफ्टिंग 1912 में होती है। और यही वाली जब शिफ्टिंग हो रही थी तब फिर से एक प्रोसेशन निकाला जा रहा था, और इसी पर क्या हुआ था, वो बम फेंका गया था, याद है ना, मैंने आपको बताया था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, वो 1912 में हुआ था। एक बात और याद रखना है यहाँ पर कि शिमला जो है वो अंग्रेजों का समर कैपिटल था, तो गर्मियों के महीनों में अंग्रेजों से यहाँ गर्मी सही नहीं जाती थी, तो ये पूरी अपनी सरकार उठाकर कलकत्ता से ट्रेन के माध्यम से पहुंच जाते थे शिमला। तो 1863 से ही शिमला एक समर कैपिटल बना हुआ था, और दिल्ली से भी ये ट्रेडिशन कंटिन्यू रहता है, तो हर गर्मियों में 3-4 महीने के लिए सरकार जो पीक गर्मी का मौसम है उस समय शिमला शिफ्ट हो जाती थी। अब अगला वाइस रॉय आता है हार्डिंग द सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग द सेकंड। ये 1910 से 1916 तक वाइस रॉय था। हार्डिंग थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा था, लेवल हेडेड था, तो पहले कर्जन की तरह इसने मतलब ऐसे डिसीजन नहीं लिए बड़े बड़े जिससे देश के अंदर कुछ आंदोलन उठ खड़ा हो, सो ही वॉज अ बिट लेवल हेडेड। इसके कार्यकाल में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट है हिंदू महासभा की स्थापना। तो 1915 में हिंदू महासभा नाम का एक संगठन बनता है। इसको बनाने वाले जो की लोग थे, जो इंपॉर्टेंट लोग थे, उनमें मदन मोहन मालवीय शामिल थे। तो मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के भी नेता थे और साथ साथ में हिंदू महासभा के भी बहुत समय तक नेता रहे थे, इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। 1916 में ही पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनाई गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई। इसका फाउंडेशन स्टोन लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही किया गया था, उनको बुलाया गया था एज चीफ गेस्ट। और मदन मोहन मालवीय का यह सपना था कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी बने जहां पर अच्छी पढ़ाई हो, तो इसीलिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, डेवलप करी जाती है। बीएचयू आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है भारत की। फिर आ जाता है वर्ल्ड वॉर। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, 5 सालों के लिए वर्ल्ड वॉर चला। इसमें एक तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली और जापान, और दूसरी तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन टर्की। लड़ाई में कई सालों तक एक स्टेलमेट बना हुआ था, यानी कि कोई भी जीत नहीं रहा था। अल्टीमेटली यूएसए की एंट्री होती है लड़ाई में 1917 में थोड़ी लेट, और उसके बाद से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी ये सब हार जाते हैं, ऑटोमन टर्की भी हार जाता है। अब लड़ाई तो हो रही थी मेनली यूरोप में और यहाँ मिडिल ईस्ट में, लेकिन इसमें भारत का भी बहुत बड़ा रोल था। भारत में एक्चुअल लड़ाई नहीं हुई, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनी भारत से 13 लाख सैनिक यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में लड़ने के लिए भेजे गए थे। तो भारतीय सैनिकों को रिक्रूट किया गया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तहत, और इन सैनिकों को भेजा गया था यूरोप में लड़ने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो उस समय ब्रिटिश ने यह कहा कि भाई हमें सैनिकों की जरूरत है। तो सैनिकों की जरूरत है, लेकिन सैनिक तो रिक्रूट करोगे तब आएंगे, और रिक्रूटमेंट कब होगा, जब देश के लोग आपके साथ हों। आज अगर देश में सरकार कहती है कि हमें सैनिकों की आवश्यकता है, फौज में भर्ती हो जाओ, तो भाई हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, हम सेना में भर्ती होने के लिए लाखों नौजवान उठ खड़े होंगे। लेकिन उस समय तो हुकूमत ब्रिटिश की थी ना, तो ब्रिटिश हुकूमत के लिए लड़ने के लिए कोई भारतीय क्यों तैयार होगा। तो एक बात तो है कि देखो जो ऑलरेडी आर्मी में थे वो लोग तो लड़ेंगे ही, लेकिन वर्ल्ड वॉर था तो और सैनिकों की आवश्यकता थी। नॉर्मल जो 2-4 लाख की आर्मी थी उससे काम नहीं चलता, तो मिलियंस ऑफ सोल्जर्स की जरूरत थी। और ऐसे में नेताओं से बात करी गई, तो ब्रिटिश सरकार ने नेताओं को कहा कि आप कहो थोड़ा कि हमारे लिए रिक्रूटमेंट हो और देश के नौजवान फौज में भर्ती हो। तो जो कांग्रेस के मॉडरेट नेता थे उन्होंने देश में अपना स्टांस ब्रिटिश सरकार के साथ रखा। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हैं और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एम्पायर का हिस्सा हैं, तो जब एम्पायर पर संकट आ पड़ा है तो हमें भी अपने नौजवानों को भेजना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए। दूसरी ओर एक्सट्रीमिस्ट जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, जो अभी जेल से छूट कर आ चुके थे, अभी अभी आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ था, इनको भी लगा कि हाँ हमें ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट करना चाहिए इस लड़ाई में, क्योंकि इनको लगता था कि अगर हम ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट करेंगे तो ब्रिटिश थोड़ा सा नरम हो जाएंगे हमारे प्रति, और इस हेल्प की बजाय हमें क्या मिल जाएगा, सेल्फ गवर्नमेंट, तो हमें स्वराज मिल जाएगा।
तो तिलक और इनके साथ वाले जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं वो भी इस वॉर एफर्ट को सपोर्ट कर रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है तो इसको याद रखिएगा। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इस समय कौन था, सिर्फ एक ही बड़ा धड़ा था, वो था रेवोल्यूशनरीज का। तो जो रेवोल्यूशनरीज थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था वो तो वो चला रहे थे पीछे हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी और जो हमने सब पढ़ा था वो पंजाब में अनरेस्ट करने की कोशिश, वो सब चल रहा था बैकग्राउंड में रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। बाकी कांग्रेस के दोनों ही नरम और गरम दल के नेता ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट कर रहे थे, देश के लोगों को जाकर कह रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती हो और एम्पायर पर खतरा है तो हमें लड़ना चाहिए, हमें अपने लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए भेजना चाहिए। लेकिन ये सभी नेता पर्दे के पीछे की असली सच्चाई देख नहीं पाए। सच्चाई ये थी कि एक तरफ लड़ाई में थे यूके फ्रांस जैसे देश जो खुद कॉलोनियल पावर्स थे, और दूसरी तरफ था जर्मनी, वो भी अपने आप में कॉलोनियल पावर था, और ऑटोमन टर्की भी एक तरह से कॉलोनियल पावर ही था क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था, वो अरब्स वगैरह उनसे खुश नहीं थे तो वो भी उनसे आजादी चाहते थे। तो प्रैक्टिकली सारे जो पार्टीज इस लड़ाई में लड़ रहे थे उन सबकी कॉलोनीज थी और सब एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। सबने प्रोपेगेंडा लॉन्च किया था ये कहते हुए, जर्मनी कहता था कि देखो भारत में कितना बुरा बर्ताव है ब्रिटिश रूल का, ब्रिटेन क्या कहता था कि नामीबिया में देखो जर्मनी क्या कर रहा है। सब एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया करते थे, चाहे वो सेंट्रल पावर्स हो या फिर एलाइड पावर्स हो। और एलाइड पावर्स ने शुरू शुरू में क्या कहा अपनी कॉलोनी के लोगों को कि आप हमारा साथ दे दो, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, भारत, ये सभी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, इनको क्या कहा गया कि आप हमारा साथ दो लड़ाई में, आपको हम कुछ स्वराज या थोड़ा सेल्फ डिटर्मिनेशन, थोड़ी डेमोक्रेसी दे देंगे। तो इन्होंने वादा कुछ नहीं किया लेकिन सपने जरूर दिखा दिए, और एक्चुअली में जो सपने हैं वो सभी के चूर चूर होने वाले थे क्योंकि जब लड़ाई खत्म होती है उसके बाद जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर सबकी आंखें खुली कि एक्चुअली में ये तो सिर्फ कॉलोनियल पावर्स ही लड़ रहे थे और जर्मनी की कॉलोनीज को इन्होंने आपस में बांट लिया, किसी को कोई डेमोक्रेसी नहीं मिली, किसी को आजादी नहीं मिली, सारी कॉलोनीज आपस में बांट ली गई, ऑटोमन एम्पायर के हिस्से कर दिए गए और वो भी उन्होंने अपने पास रख लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने, अफ्रीका की कॉलोनीज को भी फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में बांट लिया, बेसिकली दूसरे पावर को डिस्ट्रॉय करके उसकी कॉलोनीज अपने पास इन्होंने ले ली और किसी को कोई डेमोक्रेसी नहीं मिलती है। दे वेंट ऑन टू डिवाइड द कॉलोनीज ऑफ द वैंक्विश्ड पावर्स अमंग देमसेल्व्स, और ये मेनली ब्रिटेन और फ्रांस की मैं बातें कर रहा हूं। तो वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस तो और साम्राज्य अपना बढ़ा चुके थे, ब्रिटेन वॉज एट इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, इतनी टेरिटरी थी ब्रिटेन के पास कि दुनिया का एक चौथाई हिस्सा ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। और भारतीय सैनिकों का क्या, 13 लाख भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया एज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, लेकिन इनके योगदान को कभी रिकग्नाइज नहीं किया गया। इनफैक्ट हमारी ना तो इतिहास की किताबें इसके बारे में बात करती हैं ना ही ब्रिटिश किताबें इसके बारे में बात करती है, लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू की लड़ाई है इसमें लाखों भारतीय सैनिक शामिल हुए थे और हजारों इसमें शहीद भी हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो भारत के सैनिक फ्रांस, बेल्जियम, ईस्ट अफ्रीका, गैलीपोली जो कि टर्की में है, मेसोपोटेमिया, पैलेस्टाइन, इजिप्ट, इन सभी जगहों पर लड़ाई लड़ने गए थे और कईयों को विक्टोरियन क्रॉस जैसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर्स भी मिले थे। तो ये देखो 1915 का अखबार है, फर्स्ट इंडियन टू विन विक्टोरिया क्रॉस। तो अब इस इतिहास को थोड़ा भुला दिया गया है लेकिन हम इसे नहीं भूले हैं। तो इस युद्ध में 50,000 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़ते हुए, और बदले में उन्हें क्या मिला, ये एक मेमोरियल। तो मेमोरियल जरूर बनवा दिया था ब्रिटिशर्स ने, ये बात तो थी उनकी, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ बुरा करके गए। ये मेमोरियल क्या है, इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली में, सभी लोग यहाँ जाते हैं, लेकिन ये बना क्यों है किसी को पता नहीं है। ये बनाया गया था एज अ वॉर मेमोरियल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स, ब्रिटिश आर्मी में लड़ने वाले इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सैनिकों के लिए उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल इंडिया गेट बनवाया गया था। भारत सरकार ने आजादी के बाद क्या किया, एक यहां पर अमर जवान ज्योति का स्मारक और लगा दिया, लेकिन अब जाकर फाइनली एक नेशनल वॉर मेमोरियल बना है जो इसी के पीछे की तरफ है, ठीक है, इसी इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स के जस्ट पीछे है। तो आप लोग कभी जाएं तो वहां जरूर विजिट कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम होम रूल लीग मूवमेंट पर। होम रूल का मतलब क्या है, तो देखो जैसे स्वदेशी क्या था उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, वैसे ही होम रूल एक मूवमेंट था जो आयरलैंड से शुरू हुआ था। आयरलैंड जो है वो ब्रिटेन का ही पड़ोसी है लेकिन वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा था, तो वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड है। तो इसी यूके की एक कॉलोनी था आयरलैंड, और यहाँ पर एक होम मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी 1880-1870 के दशक में। वो लोग ये कह रहे थे, आयरिश लोग ये कह रहे थे कि हमें हमारा स्वराज्य दे दो, होम रूल यानी कि हमारा अपना खुद का शासन हो, स्वायत्त शासन हो,
फॉरेन पॉलिसी वगैरह चलो आप लोग देख लो, लेकिन एटलीस्ट जो इंटरनल रूल है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, वो सारा हमारे पास होना चाहिए अपना। तो वहां से होम रूल मूवमेंट की शुरुआत होती है और उसी से इंस्पायर होकर भारत में भी होम रूल लीग शुरू करी जाती है, भारत में भी होम रूल की डिमांड आती है। और इस डिमांड के पीछे सबसे बड़ी आवाज ही एक आयरिश महिला की थी और उन आयरिश महिला का नाम था एनी बीसेंट। तो जब हमने समाज सुधार वाले चैप्टर को पढ़ा था उसमें मैंने आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताया था, तो एनी बीसेंट एक आयरिश महिला थी जो काफ़ी जवान उम्र में भारत आ गई थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिता दी। तो इनफैक्ट जब ये होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था उस समय तो उनकी एज भी काफ़ी थी, शी वॉज मे बी अराउंड 60-70 समथिंग जब ये होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था, मतलब काफ़ी उन्होंने समय भारत में ऑलरेडी बिता दिया था, 30-40 साल से वो भारत में ही रह रही थी। और क्योंकि वो आयरलैंड से आती थी तो उन्होंने वहां पर आयरिश होम रूल लीग्स को देखा था, तो वहीं से उन्होंने एक आइडिया लिया कि क्यों ना हम यहाँ भारत में भी इसी प्रकार का मूवमेंट शुरू करें। तो इस आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट से इंस्पायर होकर यहां पर भी स्वराज को अलग नाम से मांगा जाता है, होम रूल के नाम से, कि हमें हमारे घर का राज दे दिया जाए। तो दिस इज अ न्यू ट्रेंड ऑफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स। और 1907 के बाद से जो भारत की पॉलिटिक्स ठंडी पड़ी थी, राष्ट्रीय आंदोलन काफी ठंडा पड़ गया था, धीमा पड़ गया था, उसमें अब फाइनली 1916 में जाकर एक क्रांति आती है इस होम रूल लीग मूवमेंट के द्वारा। अब लगभग इसी समय बाल गंगाधर तिलक भी जेल से रिहा होकर आ गए थे 1914 में, लेकिन जेल में इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, मैंडले की जेल में थे और वहां पर इनकी तबीयत काफी खराब हो गई हेल्थ रीजंस के कारण, फाइनली इन्हें छोड़ दिया गया जेल से। लेकिन इन्हें जेल से जब छोड़ा गया था तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये जरूर कहा था कि हाँ अब मैं मतलब अपना एक्सट्रीमिज्म थोड़ा सा अब नहीं करूंगा, नाउ आई विल डिमांड स्वराज वाया पीसफुल मीन्स। तो इन्होंने गवर्नमेंट को अश्योर किया कि अब हम कभी ये आपको नहीं कहेंगे कि सरकार उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन हमें रिफॉर्म तो चाहिए, ऐसा नहीं कि हम हमारा स्वराज का गोल पूरा साइड में कर रहे हैं जेल से बाहर आने के लिए, नहीं, लेकिन आप ये निश्चिंत रहो कि हम ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहेंगे, सो वी आर लॉयल टू द एम्पायर, इतनी बात इन्होंने जरूर कह दी। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि वी वॉन्ट अ रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हम सरकार को उखाड़ नहीं फेंकना चाहते, लेकिन हमें क्या चाहिए, होम रूल। तो दो होम रूल लीग बनती है, ठीक है, एक एनी बीसेंट के नेतृत्व में और एक बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। होम रूल लीग मूवमेंट का एम क्या था, गेटिंग सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, स्वायत्त शासन, अपनी सरकार हम खुद बनाएं, सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, कम से कम जो हमारा गृह विभाग है, हमारा पीडब्ल्यूडी है, रेलवेज है, ये सब तो हम चलाएं, भारतीय चलाएं, ठीक है आप फॉरेन मैटर्स को देख लेना, आप आर्मी देख लेना, लेकिन कम से कम जो इंटरनल गवर्नमेंट है वो सारी हमें भारतीय लोगों को मिल जानी चाहिए, तो हम रहेंगे तो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा, ऐसी इनकी डिमांड थी, लेकिन शासन हमें हमारा दे दो। दूसरी डिमांड, लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स, तो राज्यों का गठन किया जाए, ऐसे नहीं कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आप प्रॉपरली भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो और देश में पढ़ाई जो है वो देश की भाषाओं में होनी चाहिए, वर्नैक्युलर लैंग्वेज, रीजनल भाषाओं में, अगर तमिलनाडु वाला एरिया है तो मद्रास प्रेसिडेंसी है तो वहां पर तमिल भाषा में पढ़ाई हो, अगर उत्तर भारत है तो हिंदी में पढ़ाई हो या फिर उर्दू में पढ़ाई हो, अगर गुजरात के स्कूल हैं तो गुजराती में पढ़ाई हो। तो ये तीन इनकी मेन मेजर डिमांड्स थी, ठीक है। और होम रूल जो है ये इन्होंने इसलिए भी मांगा था क्योंकि जो व्हाइट कॉलोनीज थी, व्हाइट कॉलोनी का मतलब जहां पर मेजर आबादी व्हाइट कॉकेशियन लोगों की है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मतलब वहां पे मेजर आबादी नहीं थी व्हाइट की लेकिन पावर में व्हाइट ही थे, तो उन देशों को ब्रिटिश एम्पायर ने काफी हद तक स्वायत्तता दे दी थी 1901-1910 के आसपास, इन देशों को लोकल पार्लियामेंट जैसी संस्था दे दी थी कि ठीक है आप अपनी पार्लियामेंट बना लो, कुछ आप इंटरनल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चला लो, तो काफी हद तक इनको आजादी दे दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया को तो प्रैक्टिकली आजादी मिली गई थी, नाम का बस वो ब्रिटिश एम्पायर में था, बाकी वो हर काम अपना इंटरनल गवर्नमेंट वहां का कर लेती थी। तो होम रूल लीग वालों को लगा कि जब ऑस्ट्रेलिया को दिया जा सकता है, कनाडा को दिया जा सकता है, तो भारत को स्वायत्त शासन क्यों नहीं दिया जा सकता, तो व्हाइट कॉलोनीज की तरह हमें भी स्वायत्त शासन दो, सेल्फ गवर्नमेंट दो, लड़ाई खत्म होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय, ठीक है। तो सितंबर 1915 से एनी बीसेंट ने ये कैंपेन लॉन्च किया था और फाइनली ऑफिशियली होम रूल लीग की स्थापना यानी संगठन की स्थापना होती है अप्रैल 1916 में, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में स्थापना करी और सितंबर 1916 में एनी बीसेंट ने मद्रास में, क्योंकि मद्रास में क्या था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर था, तो एनी बीसेंट ने मद्रास में अपनी होम रूल लीग बनाई और तिलक ने पूना में, क्योंकि वो महाराष्ट्र से थे, वहां पर उन्होंने अपनी होम रूल लीग बनाई। तो दोनों होम रूल लीग लगभग साथ में ही बनी थी, लेकिन दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे और दोनों का एरिया भी काफी हद तक अलग था, ठीक है। एनी बीसेंट के साथ जो प्रोमिनेंट लोग थे वो उनके थियोसॉफिकल सोसाइटी के ही मेंबर्स थे, तो जॉर्ज अरुणडेल का नाम बार बार आता है, जॉर्ज अरुणडेल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे और एंड ही वाज द मेन फोर्स, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया एनी बीसेंट की एज काफी हो चुकी थी तो वो इतना एक्टिवली ट्रैवल वेवल नहीं कर सकती थी, जॉर्ज अरुणडेल काफी काम करते थे इस दूसरी वाली होम रूल लीग का।
तो तिलक वाली जो होम रूल लीग है वो मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस यानी कि आज का महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश का इलाका, बिरार यानी कि नागपुर वाला इलाका, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड था बेसिकली सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया। एनी बीसेंट का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल दक्षिणी भारत यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी और जो बंगाल वाला एरिया है वहां पर उनका उनकी होम रूल लीग ज्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग एरियाज को कवर कर रहे थे। यूपी में भी एनी बीसेंट वाली जो होम रूल लीग है वो काफी एक्टिव थी। इसी समय इनके अखबार काफी पॉपुलर हो जाते हैं, तो होम रूल लीग की डिमांड्स को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अखबारों का सर्कुलेशन काफी बढ़ा दिया। तो बाल गंगाधर तिलक के दो अखबार थे, मराठा और केसरी। आपका ये होमवर्क है पता करना कि कौन सा अखबार हिंदी में आता था, आई एम सॉरी, कौन सा अखबार मराठी में आता था और कौन सा अंग्रेजी में आता था। ठीक है, एनी बीसेंट की जो होम रूल लीग थी उनके भी दो अखबार थे, न्यू इंडिया और कॉमन व्हील। कॉमन वेल्थ नहीं है ये, कॉमन व्हील है। ठीक है, तो शब्द यहीं से आया, कॉमनवेल्थ वाला रूट वर्ड वही है लेकिन कॉमन व्हील। तो ये डिमांड क्या आ रही है कि हम भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन जाते हैं। तो एनी बीसेंट की जो होम रूल लीग है उसकी 200 ब्रांचेस थी और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो काफी लूज था, यानी कि कुछ 5-10 लोग इकट्ठा होकर भी एक होम रूल लीग बना सकते थे। तो मैं चाहूं तो मैं अपने गांव में होम रूल लीग बना सकता था एनी बीसेंट वाली। ठीक है, जबकि तिलक वाली जो लीग थी उनके प्रॉपर डिवीजन थे, प्रॉपर ब्रांचेस बनी हुई थी, 6 अलग अलग जोन्स में उन्होंने ब्रांचेस बनाई थी, डिफाइंड एरिया था, डिफाइंड एक्टिविटी थी, पर काम दोनों एक ही करते थे। ठीक है, एनी बीसेंट वाला थोड़ा सा व्यापक था संगठन और उसमें ये छूट दे रखी थी कि आप 2-4 लोग मिलकर भी या कुछ गांव मिलकर भी एक होम रूल लीग मूवमेंट चला सकते हैं। ठीक है, तो ये वैसे कभी पूछा जाता नहीं है अभी तक तो, बट फिर भी पॉइंट ऐड कर दिया है, याद रख लेना। तो इनकी होम रूल लीग की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 7 मेंबर होते थे और यहां पर भी चुनाव होते थे 3 साल के लिए और 34 फाउंडिंग ब्रांचेस थी। ठीक है, एनी बीसेंट वाले की बात कर रहा हूं। ज्यादातर काम अरुणडेल, जॉर्ज अरुणडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर और बीपी वाडिया ने किया था और ज्यादातर काम होता था मद्रास में जो हेडक्वार्टर था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, अडयार नाम की जगह पर, वहां से इनका काम हैंडल होता था। अब कांग्रेस और होम रूल लीग मूवमेंट का क्या लेना देना है, देखो दोनों अलग थे, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। होम रूल लीग मूवमेंट एनी बीसेंट ने स्टार्ट किया था तब उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, हालांकि बाद में वो कांग्रेस में भी गई, वहां पर भी प्रेसिडेंट बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन होम रूल लीग मूवमेंट कांग्रेस के द्वारा नहीं चलाया गया था। तो बस ये स्वदेशी आंदोलन वाली कहानी यहां पर रिपीट हो रही है, कांग्रेस 2 कदम पीछे है देश से। तो मॉडरेट कांग्रेसमैन जो है, जो कांग्रेस की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं थे, उनको लग रहा था कि 6-7 साल से कुछ नहीं हो रहा है कांग्रेस में, वो सब जाकर होम रूल लीग के अंदर शामिल हो जाते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जो पुराने मॉडरेट लीडर थे, जो अब काफी एजेड हो चुके हैं, काफी बूढ़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी एक्टिव नेता हैं, उनकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, उन्होंने अपने सदस्यों को ये कहा कि देखो आप ऑफिशियली होम रूल लीग मूवमेंट में शामिल मत हो लेकिन हाँ आप उनकी गतिविधियों को सपोर्ट कर सकते हो। तो देवर एनकरेज टू एड देयर वेट टू द डिमांड्स ऑफ होम रूल बाय अंडरटेकिंग टूर एंड पब्लिशिंग पैम्फलेट, यानी कि बेसिकली आप सपोर्ट करो, इनके लिए काम करो बट इसमें शामिल मत हो, आप अपना अलग रखो, क्योंकि याद है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को कोई भी पॉलिटिकल आंदोलन में पार्ट लेने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए तो कई मॉडरेट नेशनलिस्ट जो है ये होम रूल लीग को ज्वाइन कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में और यूपी में काफी पॉपुलर हो गया था। और जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था उसी में दिसंबर 1916 में कांग्रेस का सेशन तय होता है लखनऊ में। तो लखनऊ का जो सेशन था कांग्रेस का वो काफी सरगर्मियों वाला था, क्योंकि अब फाइनली देश में फिर से एक आंदोलन चल रहा था, होम रूल लीग चल रही थी, मतलब अप्रैल 1916 से लेकर कई महीनों तक देश में फिर से एक क्रांति सी आ गई थी कि अरे चलो कुछ तो हो रहा है स्वदेशी मूवमेंट के 10 साल बाद। तो इस तरह से लीग काफी पॉपुलर हो गई थी और कांग्रेस को लग रहा था कि लोग लीग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर नेता, मैं आपको बता रहा हूं कि कॉमन ही थे, जो कांग्रेस से संतुष्ट नहीं थे वो सारे कांग्रेसमैन होम रूल लीग के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। ठीक है, और होम रूल लीग की खास बात और ये भी थी कि क्योंकि उनका ध्यान वर्नैक्युलर लैंग्वेज पे था तो वो आम लोगों से बात भी हिंदी में करते थे, वो कांग्रेस के पुराने वकील नेताओं की तरह नहीं थे कि अंग्रेजी में ज्ञान दिए जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना, यहां पर हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, ऐसी भाषाओं में लोगों को समझाया जा रहा था कि भाई साहब होम रूल क्या है और हम क्या चाहते हैं। तो ये दोनों लीग आपस में कॉपरेट किया करती थी, साथ ही साथ कांग्रेस से भी थोड़ा बहुत कॉपरेट कर लेते थे, मेनली तो 1916 के बाद ही किया था, मुस्लिम लीग से भी कॉपरेट कर लेते थे क्योंकि अल्टीमेटली नेता कई जगह कॉमन भी होते थे, कॉमन लोग ही इन सब संगठनों में शामिल होते थे। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट वॉज वेरी कॉमन फॉर समवन लाइक मोहम्मद अली जिन्ना टू बी अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, टू बी अ पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग, एंड समवन लाइक पंडित मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस के भी सदस्य थे, हिंदू महासभा के भी सदस्य थे, होम रूल लीग मूवमेंट के भी सदस्य थे। तो इस तरह के नेता कई सारे थे जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल थे। ठीक है, क्योंकि लक्ष्य तो सबका एक ही है ना कि देश को आजादी दिलवानी है या फिर स्वायत्त शासन लाना है, अभी आजादी की बात नहीं, अभी स्वायत्त शासन, होम रूल, स्वराज।
तो होम रूल मूवमेंट जो है इससे देश में एक नई जान आ जाती है, राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान आ जाती है, और स्वदेशी आंदोलन के 10 साल बाद फाइनली कोई बड़ा आंदोलन होता है जिसमें कई लोग शामिल होते हैं, महिलाएं भी इसमें बहुत बड़ी संख्या में शामिल थी। और इसकी एक और खास बात यह थी कि कांग्रेस जो कि केवल अधिवेशन से अधिवेशन काम किया करती थी, केवल दिसंबर में 3-4 दिन का अधिवेशन हो रहा है उसके अलावा कोई राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियां नहीं हो रही, उसके बिल्कुल विपरीत इनका काम पूरे साल चलता था। तो ये दिन रात होम रूल लीग वाले काम करते रहते थे। तो दिसंबर 1916 में लखनऊ में सेशन होने वाला था, काफी सरगर्मियां थी कि अरे अब तो फाइनली देश में एक आंदोलन चल रहा है। तो यहां पर क्या हुआ कि होम रूल लीग वालों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इन्होंने कहा कि चलो सब चलेंगे कांग्रेस अधिवेशन में और ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल होंगे और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस अपना पूरा वेट होम रूल के पीछे डाल दे और होम रूल ऑफिशियल एजेंडा बन जाए कांग्रेस का। इनफैक्ट तिलक की होम रूल लीग ने एक स्पेशल ट्रेन ऑर्गेनाइज करवाई थी जिसका नाम था कांग्रेस स्पेशल या होम रूल स्पेशल, जो डेलीगेट्स को पश्चिमी भारत यानी कि महाराष्ट्र गुजरात से लखनऊ लेकर जाएगी। और इसके बाद हर कांग्रेस सेशन के लिए एक ट्रेंड चल गया कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाती थी, तो उसको कांग्रेस स्पेशल कहा जाता था जो दिसंबर में अधिवेशन होता था उसमें शामिल होने के लिए। तो ये एक रेगुलर फीचर बाद में बन गया था कांग्रेस के एनुअल सेशंस का। जॉर्ज अरुणडेल ने अपनी होम रूल लीग के सदस्यों को कहा कि आप जाकर लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट बनने की कोशिश करो, क्योंकि डेलीगेट बनोगे तो कांग्रेस की जो फाइनल वोटिंग वगैरह होती है, जो फाइनल रेजोल्यूशन पास होते हैं उसमें आपका से रहेगा, उसमें आपकी पहुंच रहेगी। तो आइडिया ये था कि कांग्रेस को होम रूल लीग मूवमेंट वाले लोगों से भर दो, फ्लड कर दो, कि कांग्रेस बेसिकली होम रूल लीग बन जाए, ये इनका लक्ष्य था और यही हुआ। तो होम रूल लीग के सदस्य वहां जाकर ओवरवेलमिंग नंबर्स में लखनऊ सेशन में पार्ट लेते हैं। अब लखनऊ सेशन के दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पहला मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का एक हो जाना और दूसरा लखनऊ पैक्ट साइन होना। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो पहले की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट नेता जो सूरत में 1907 में अलग हो चुके थे, इन्होंने अब तय किया कि वक्त आ गया है गिले शिकवे मिटाकर एक हो जाएं। बाल गंगाधर तिलक भी थोड़े से अब मतलब इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहते, ही हैड मेलोड डाउन अ लिटल, लेकिन अब उनका कद काफी बढ़ चुका था, होम रूल लीग मूवमेंट को वो लीड कर रहे थे, तो कांग्रेस भी चाहती थी कि तिलक फिर से कांग्रेस में ऑफिशियली शामिल हो और सब कुछ एक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। तो आखिरकार 9 साल बाद ये जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसको रिवर्स करते हुए लखनऊ में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक हो जाते हैं। तो INC के दोनों फैक्शंस यूनाइट हो जाते हैं, नरम दल गरम दल एक हो गए हैं, और दोनों की वैसे चली नहीं क्योंकि 2-3 साल बाद गांधी जी आ गए और नरम दल गरम दल सब फेल हो गए। एनीवेज ये वाला सेशन जो है इसका दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पहली बार एक समझौता होता है, ऑफिशियल समझौता होता है। बाय द वे मुस्लिम लीग का भी सेशन यही था, पहले 2 दिन कांग्रेस का सेशन होता है उसके बाद 2 दिन मुस्लिम लीग का सेशन होता है, दिसंबर के अंत की बात हो रही है लखनऊ शहर की। और ये वाला जो कांग्रेस सेशन था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अंबिका चरण मजुमदार, AC मजुमदार इसके प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में, स्टार मार्क कर लेना ठीक है, कि लखनऊ पैक्ट जब हुआ था तब कौन प्रेसिडेंट था या लखनऊ सेशन का कौन प्रेसिडेंट था, सो दैट वाज मिस्टर AC मजुमदार। अब लखनऊ पैक्ट क्या है, लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होता है, इसी को लखनऊ पैक्ट कहते हैं। समझौता क्यों हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि 1909 में जब सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था तो वो कांग्रेस ने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि ये गलत है, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। लेकिन अब 1916 में जाकर फाइनली कांग्रेस इस सेपरेट इलेक्टोरेट को लिए के लिए ओके कर देती है कि ठीक है चलो आपको मिल गया तो ओके है, अब हम इसके लिए विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एजेंडा एक होगा, दोनों ने आपस में मेनली ये तय किया कि हमारा एजेंडा एक ही होगा कि हमें चाहिए होम रूल, हमें चाहिए स्वायत्त शासन, स्वायत्तता, हमें चाहिए स्वदेशी यानी कि ब्रिटिश कुछ हद तक रूल या शासन करने का अधिकार हमें दे दें, ये हम दोनों का एजेंडा रहेगा, ऐसा दोनों पार्टियों ने तय किया। और एक और अगला इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि भाई हिंदू मुस्लिम यूनिटी देश में बनी रहे, इस सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बढ़नी नहीं चाहिए, जो कि एक्चुअली में हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने ऑफिशियल एजेंडा अपना ये बना लिया था। मुस्लिम्स जो हैं वो काफी नाराज थे एनलमेंट ऑफ पार्टीशन के कारण, यानी 1911 में जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल को फिर से एक कर दिया गया था, इसके कारण मुस्लिम्स काफी नाराज थे, खास करके ईस्ट बंगाल वाले। मैंने आपको रीजंस बताए थे क्योंकि उनका फायदा था, वहां पर ईस्ट बंगाल अलग हो गया है तो पॉलिटिक्स में काफी हावी हो सकते थे, तो वो वहां पर नाराज थे। लेकिन अब कांग्रेस से उन्होंने अपनी नाराजगी खत्म कर ली क्योंकि कांग्रेस ने भी तो सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिए। दूसरा ये था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को एक अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया था उस वक्त तक, बाद में दे दिया गया था कुछ साल बाद, लेकिन वो एक नाराजगी थी। और तीसरा लगभग तय हो चुका था कि ऑटोमन हार जाएंगे और ऑटोमन के हारने के बाद खलीफा के पद के साथ क्या होगा इसको लेकर चर्चा अभी से शुरू हो गई थी, तो ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होना ऑलमोस्ट तय था और वहां पर क्या होगा, रिपब्लिक बनेगा नहीं बनेगा, हालांकि वो सब कहानी 1919 के बाद आती है, मुस्तफा कमाल पाशा वाली जो लीडरशिप है वो सब तो 1920 के बाद होगा, लेकिन अभी से ये चर्चा यहां पर जरूर शुरू हो गई थी। ठीक है, तो जो टर्की के वर्ल्ड वॉर वन के बाद के रेपरकशंस हैं वो हम आगे और पढ़ेंगे, कहां पर, जब हम खिलाफत मूवमेंट पढ़ेंगे उस समय।
अब जब हम होम रूल के बारे में बात करते हैं तो दो और सोसाइटीज के नाम याद रख लेना, ये जो बड़ी बड़ी होम रूल लीग हैं उनके अलावा दो छोटे छोटे संगठन भी चल रहे थे। तो एक की स्थापना लंदन में हुई थी 1905 में, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना करी थी श्यामजी कृष्ण वर्मा और भिकाजी कामा ने। तो मैडम भिकाजी कामा जो है ये लंदन में, पेरिस में, यूरोप में रहकर भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, वहां पर अवेयरनेस फैला रही थी दुनिया में, यूरोप में, कि देखो भारत के लोगों के साथ क्या हो रहा है। और वहां पर उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी और डिमांड उनकी वही थी। लेकिन अगेन ये संस्थान इतना बड़ा नहीं था, ये संगठन इतना बड़ा नहीं हो पाया था। दूसरी ओर लाला लाजपत राय काफी समय यूएसए में थे, इसी टाइम वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, और इन्होंने वहां पर इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका स्टार्ट करी। इनका ये लक्ष्य था कि अमेरिका में, जो कि आजादी का एक चमकता हुआ सितारा था दुनिया में, वहां के लोगों को ये बताया जाए कि भारत में आजादी नहीं है, भारत में भी तो डेमोक्रेसी लाओ, आप अपने पार्टनर यूके पर दबाव बनाओ कि भारत को भी आजादी दी जाए। तो इसके लिए लाला लाजपत राय अमेरिका में शहर शहर घूम रहे थे और वहां पर उन्होंने इस इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना करी और एक अखबार भी छापा वहां पर जिसका नाम था यंग इंडिया। एक और यंग इंडिया आएगा, अगर किसी को पता हो कि दूसरा यंग इंडिया किसका है, कौन से नेता का होगा, तो कमेंट में अभी बता दो, नहीं तो आगे तो पता चल ही जाएगा। तो ये पब्लिकेशन याद रखना, यंग इंडिया इनका पब्लिकेशन था अमेरिका में, ठीक है, इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका का पब्लिकेशन है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर आंदोलन में आपसे पूछा जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, कि इस आंदोलन में किसने हिस्सा नहीं लिया था। तो सबसे पहले हैं एंग्लो इंडियंस, अगर होम रूल मिल जाता तो भारतीय लोगों के हाथ में शासन आ जाएगा, तो एंग्लो इंडियंस का थोड़ा सा नुकसान था तो इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ज्यादातर मुस्लिम, कॉमन मुस्लिम्स जो थे, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कई लीडर्स इसको सपोर्ट कर रहे थे। जिन्ना जो हैं वो लीग के कोर सदस्य थे, मतलब होम रूल लीग मूवमेंट को भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर आम मुस्लिम इसका हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उनको भी यही लग रहा था कि होम रूल का मतलब क्या है, हिंदुओं के हाथ में शासन आ जाएगा तो हमारा क्या फायदा इसमें। दूसरा, दक्षिण भारत के अंदर नॉन ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि एक इमेज बन चुकी थी कि कांग्रेस या उससे जुड़े हुए जितने भी नेता हैं वो सभी एलीट ब्राह्मण वर्ग के हैं, और अगर होम रूल आ गया तो यही ब्राह्मण वर्ग जो है ये शासन करेगा और हमारा तो शोषण होगा, तो इसीलिए ये इसमें शामिल नहीं थे। और अल्टीमेटली इसी कारण से वहां पर जस्टिस पार्टी की स्थापना होती है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम सोशल रिफॉर्म पढ़ रहे थे तो दक्षिण भारत में एक टॉपिक रह गया था, तो वो जस्टिस पार्टी, नाइकर, इनके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ईवी पेरियार के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, ईवी रामस्वामी नाइकर के बारे में, तो उस समय इनको डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं कि इसी समय लगभग यही टाइम था जस्टिस पार्टी की स्थापना होती है 1916 के आसपास। होम रूल मूवमेंट के खिलाफ सरकार का क्या रवैया था, तो ब्रिटिश शासन ऑफकोर्स होम रूल नहीं देना चाहता था, तो इन्होंने काफी दमनकारी नीतियां अपनाई होम रूल वालों के सामने। हालांकि होम रूल मूवमेंट कभी भी वायलेंट नहीं था, वो लोग जो भी करते थे शांति से करते थे, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ सीवियर रिप्रेशन दिखाया गया, खास करके मद्रास के एरिया में जहां पर मूवमेंट काफी पॉपुलर था। स्टूडेंट्स को, खास करके कॉलेज के स्टूडेंट्स को साफ मना कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि आप किसी पॉलिटिकल मीटिंग में हिस्सा नहीं लोगे वरना आपको कॉलेज से निकाल देंगे। बाल गंगाधर तिलक को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी गई तो पंजाब और दिल्ली जैसे एरियाज में उनकी एंट्री ही बैन कर दी गई। 1917 में एनी बीसेंट और उनके जितने भी साथी थे सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनके अरेस्ट के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हो जाते हैं और जी सुब्रमण्य अय्यर, जिनको नाइटहुड दिया गया था, उन्होंने अपना नाइटहुड, अपने सर की उपाधि जो थी SIR वाला सर, ही वॉज कॉल्ड सर जी सुब्रमण्य अय्यर, वो तक उन्होंने रेनाउंस कर दिया, वो उपाधि वापस दे दी, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये गलत अरेस्ट हुए हैं। तो ये एनी बीसेंट और इनके जो एसोसिएट हैं ये भी काफी पॉपुलर हो गए थे क्योंकि इन्होंने दोस्त होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था, तो इनको भी जेल में डाल दिया जाता है 1917 में। लेकिन नेताओं को जेल में डालने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ये समझती थी कि इतनी आसानी से हम इस दलदल से बाहर नहीं आ सकते, विद्रोह हो जाएगा अगर हमने अभी यहां पर लोगों को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो 1917 अगस्त के महीने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोंटाग्यू, एडविन मोंटाग्यू इनका नाम था, ये कौन थे, लंदन में बैठने वाले ब्रिटिश कैबिनेट के भारतीय मामलों के मंत्री, इन्होंने एक डिक्लेरेशन जारी किया पब्लिकली और ये कहा कि भारतीय लोगों को हम सेल्फ गवर्नमेंट देने की राह पर अग्रसर कर देंगे। इसके वर्ड बहुत केयरफुली चूज किए थे इन्होंने, ये नहीं कहा था कि सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे, ये नहीं कहा कि स्वराज दे देंगे, लेकिन क्या कहा कि देर विल बी अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी कि भारत में स्वायत्त शासन वाले इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे डेवलप किए जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, स्वायत्त शासन वाले इंस्टीट्यूशन का बेसिक मतलब तो ये हुआ कि पार्लियामेंट दे दो आप, लोकल लोगों को चुनने की अनुमति दे दो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दो, यानी कि भारत के लोग अपने खुद के मंत्री, अपनी खुद की सरकार चुन सकें, लेकिन इसको बिल्कुल साफ शब्दों में नहीं कहा, ये कहा कि इस ओर अग्रसर कर देंगे, हम धीरे धीरे इस रास्ते पर भारत को ले जाएंगे। लेकिन ये डिक्लेरेशन ही काफी था तो लोग थोड़े शांत हो गए, तो होम रूल लीग वाले जो जितने भी नेता हैं वो उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है, हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया, हमें ब्रिटिश सरकार होम रूल दे देगी, उनको ऐसा लगा उस समय जब ये अगस्त 1917 में मोंटाग्यू का डिक्लेरेशन आया था। लेकिन ये सच निकला नहीं, क्योंकि 1919 में
जो ये वाले आए थे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अभी, तो उसमें होम रूल नहीं दिया गया, थोड़ा सा सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की राह दिखा दी गई, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन आए भी, काफी हद तक चुनाव जैसी व्यवस्था भी ला दी गई, लेकिन पूरी तरह से स्वायत्तता नहीं दी गई। ठीक है, तो मोंटेग्यू के इस डिक्लेरेशन से होम रूल मूवमेंट समाप्त हो जाता है, क्योंकि नेताओं को लगा होम रूल मिल जाएगा, हालांकि होम रूल मिला नहीं, तो इसीलिए हम इसको सक्सेसफुल आंदोलन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसके कई सारे अचीवमेंट्स थे। सबसे बड़ा अचीवमेंट होम रूल लीग मूवमेंट का यही था कि इसने कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी। कांग्रेस जो ऑलमोस्ट एक खत्म हो चुका ऑर्गेनाइजेशन था, 7-8 साल से बिल्कुल ठंडा पड़ा था, उसमें एक नई जान आ जाती है, एंड इट बिकम्स एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और आने वाले कुछ सालों में महात्मा गांधी आ जाते हैं, तो महात्मा गांधी ने भी उसके अंदर एक और नई चेतना ला दी। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था कि कांग्रेस के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट धड़े जो हैं वो दोनों एक हो गए 1916 में लखनऊ वाले सेशन में। तो ये दो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे होम रूल मूवमेंट के। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। दोस्तों 13 जून को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रही है, ये एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, ये कॉम्बैट का हिस्सा नहीं है, अलग है उससे। यहाँ पर 2 घंटे का आपको ये पेपर देना होगा, और इसमें अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हो तो आपको अवार्ड्स तो प्राइजेस तो मिलेंगे ही, बहुत सारे प्राइजेस हैं इसमें, मैकबुक, आईपैड, एयरपॉड, आईफोन, ये तो प्राइजेस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि टॉप 50 रैंकर्स को आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा पर्सनली गाइड किया जाएगा, मेंटोर किया जाएगा। तो इसमें 3 करोड़ रुपए के प्राइजेस स्कॉलरशिप्स तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में आप पिछले साल के टॉपर्स या फिर जो सर्विंग आईएएस ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स, इनसे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स से, इनसे आप डायरेक्ट गाइडेंस ले सकते हैं, मेंटोरशिप ले सकते हैं, अगर आप इसमें टॉप 50 में रैंक लेकर आते हैं तो। ठीक है, और बाकी ये सब तो प्रोडक्ट जीत ही सकते हो, तो इसमें हिस्सा ले लो। और फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जाती हैं, 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए ऑल यू नीड इज 1 कोड एंड यू कैन यूज महिपाल एज द कोड। हर रविवार को कॉम्बैट हो ही रहा है, कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप अपनी रैंक जान सकते हैं ऑल इंडिया लेवल की, प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से। इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं ऐप पर या वेबसाइट पर। और जो आपको सब्सक्रिप्शन फी यहाँ पर नजर आ रही है, ये आपको पे नहीं करनी, अगर आप ये कोड यूज कर लेंगे तो आपको इनमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।